तरह की गलियों में ला के मैं अगर आपको सिटी राइड रिव्यू दे रहा हूँ तो आप समझ जाओ। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप आपको सचपा सीरीज पसंद आई होगी। सचपा सीरीज में कुछ लोगों ने कमेंट किया था, कुछ लोगों ने मुझे इंस्टाग्राम पे भी पूछा था, बाइक से रिलेटेड कई सारे क्वेश्चन थे आप लोगों के। उनमें से मैंने सोचा है कि कुछ क्वेश्चन के मैं वीडियो बना के आपको आंसर करूंगा। जैसे एक क्वेश्चन था कि बाइक का माइलेज कितना है, दूसरा था कि अगर मैं बाइक लेता हूं तो सिटी के लिए कैसी रहेगी, तो सिटी राइड रिव्यू भी मैं आपको बना के दूंगा। वो आज के वीडियो में आपको सिटी राइड रिव्यू दूंगा। वैसे तो आपने सचपा सीरीज में देखा होगा मैंने बाइक का रिव्यू कई जगह पे बताया हुआ, बट अब दो तीन वीडियो में पर्टिकुलरली बाइक से रिलेटेड ही बनाऊंगा जिससे आपके बहुत सारे क्वेश्चन के आंसर आपको मिल सके। अगर हम बाइक खरीदते हैं तो क्या सिटी में ये बाइक चलाने लायक रहेगी, कहीं ऐसा तो नहीं है लॉन्ग टूर के लिए ही हो, तो बहुत सारे ऐसे क्वेश्चनों के लिए मैंने डिसाइड किया कि दो तीन वीडियो बनाऊंगा, एक सीरीज बनाऊंगा जिससे कि आपके इन सारे क्वेश्चनों के आंसर मिल जाएंगे। तो चलिए चलते हैं, शुरू करते हैं आज का वीडियो, सिटी राइड रिव्यू ऑफ डोमिनार 250। तो फाइनली अभी हम लोग आ चुके हैं मेन रोड पे और जा रहे हैं अब सिटी के अंदर। सिटी के अंदर का आज आपको फुल एंड फाइनल रिव्यू देंगे, इसकी परफॉर्मेंस का कैसा लग रहा है, क्या फील हो रहा है, क्या प्रॉब्लम आ रही है, क्या अच्छी चीज़ फील हो रही है, क्योंकि मेरे पास और भी बाइक है, उसके कंपैरिजन पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखेंगे इसकी परफॉर्मेंस को। बट अगर कानपुर में अगर किसी चीज़ का सबसे बड़ा इशू है तो वो है ट्रैफिक का, क्योंकि कानपुर मेट्रो का काम चल रहा है तो उसकी वजह से ट्रैफिक बहुत ज़्यादा रहता है हर जगह। इसके कुछ अच्छे फीचर्स में से एक फ़ीचर है क्लच ऑपरेशन। इसका क्लच जो है बहुत ज़्यादा स्मूथ है, मतलब अदर बाइक जो मेरे पास हैं उनके कंपैरिजन में इसका क्लच बहुत ज़्यादा स्मूथ है। अगर आप ट्रैफिक में फंसते भी हो, बार बार आपको क्लच लेनी भी पड़ती है, तो भी आपको फ़ील नहीं होगा हाथों में पेन या इस तरह का कोई इशू नहीं महसूस होगा। तो ये इसकी एक अच्छी चीज़ लगी मुझे यहाँ पर। और आप देख लो यार क्या ट्रैफिक है। तो अभी हम लोग जा रहे हैं यहाँ से बेकनगंज, तो पहले पेट्रोल और डला लेते हैं क्योंकि इसमें पेट्रोल बहुत ज़्यादा कम है। तो अभी हम डलवा रहे हैं एक्स्ट्रा प्रीमियम। इसके और उसमें कितना 1.5 रुपए का डिफरेंस होता है ना। कुछ दिनों बाद सुनार की दुकान पे मिलेगा पेट्रोल। और ब्रेकिंग तो इसकी बहुत ही गजब है। और इसमें मुझे कुछ प्रॉब्लम भी लगी इस बाइक में, एक दो इशू जो मैंने फेस किए हैं वो मैं आपको दिखाऊंगा, बट वो नेक्स्ट जो वीडियो बनेगा प्रॉब्लम के बारे में उसमें शेयर करूंगा मैं, क्योंकि सचपास के आने के बाद भी मैंने बहुत सारी इसमें इशूज फेस किए हैं, मतलब जो मुझे प्रॉब्लम लगी हैं, तो मैं सोच रहा था कि उन सबको बताना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आप लोगों के लिए, क्योंकि जब राइड पर था तब तो हर समय हर चीज़ अच्छी लग रही थी, बट बाद में कई चीज़ें सामने आई हैं जिसमें लगा है मुझे अभी सर्विस सेंटर भी जाना उन सब इश्यूज़ को, क्योंकि अभी मैं बाहर चला गया था, अभी रिटर्न आया हूँ, तो अभी सर्विस सेंटर भी एक दिन जाएंगे और फिर वहाँ पे भी ये सब प्रॉब्लम उनसे डिस्कस करेंगे। तो अगर आप लोग कानपुर से हैं तो आपको ये जगह पता होगी, यूनिवर्सिटी कानपुर, यहाँ से लेकर काफ़ी आगे तक है यूनिवर्सिटी। मेट्रो की वजह से यहाँ रोड की कंडीशन बहुत ज़्यादा ख़राब हो रखी, डस्ट बहुत ज़्यादा उड़ रही है। 2021 के लास्ट में या 22 की स्टार्टिंग में इसका इनॉग्रेशन होना है IIT कानपुर से लेकर मोती झील तक के लिए। और वैसे भी अगर मेट्रो का इनॉग्रेशन हो भी गया और ये रोड बन जाएगी ना, तो जैसे इन लोगों ने अपना फुटपाथ पे यहाँ पे ये बढ़ा रखा है, ऐसे फिर चालू हो जाएगा। जितनी अच्छी रोड बनती है आधी तो लोग ऐसे ही घेर लेते हैं, तो ये बहुत ज़्यादा इशू है यहाँ पर। किसी भी बाइक का सिटी राइड रिव्यू करना है तो कानपुर से अच्छा सिटी हो ही नहीं सकता, सही बता रहा हूँ, इससे मतलब ज़बरदस्त जगह नहीं हो सकती आपको। थोड़ा सा भी नहीं चल पा रहे हैं उसके बाद ही ट्रैफिक, हर जगह ट्रैफिक भयंकर वाला। तो अगर जो बाइक यहाँ चल गई सही से तो समझो आप अपने किसी भी सिटी में चला सकते हैं किसी भी बाइक को। यहीं पे सबसे ज़्यादा ट्रैफिक है, यहाँ की कंडीशन, रोड की कंडीशन तो बहुत ही ज़्यादा वर्स्ट है। हाँ, मैं भी ये कह सकते हैं कि मेट्रो की वजह से, काम की वजह से भी रोड की कंडीशन ख़राब हो रखी है, रोड कंजस्टेड हो रखी है, बट अपने लिए तो अच्छा ही, अपने को तो ऐसी ही जगह पे चला के दिखाना है। तो फ़िलहाल रावतपुर वाला रोड हमने छोड़ दिया है क्योंकि बहुत ज़्यादा ट्रैफिक था। अब हम जा रहे हैं दूसरे रूट से जहाँ हमें जाना है बेकनगंज। फाइनली अभी तक अगर मैं आपको कहूँ तो मुझे बहुत सही लग रहा है सिटी में, किसी तरह कोई प्रॉब्लम नहीं। क्लच के बारे में मैंने आपको बताया, इतना ज़्यादा स्मूथ है कि अगर मैं बार बार गियर शिफ्ट कर रहा हूँ, गियर चेंज कर रहा हूँ, तो मुझे कुछ भी प्रॉब्लम नहीं हो रही है, बिल्कुल नहीं लग रहा, हाथों में बिल्कुल फील नहीं हो रहा है कि
क्लच टाइट है या किसी तरह की कोई प्रॉब्लम। अब अगर बात करें इसकी ब्रेकिंग के बारे में तो ब्रेकिंग सिस्टम बहुत अच्छा है, ABS सिस्टम की वजह से ब्रेकिंग बहुत अच्छी है। कहीं पे भी ट्रैफिक में अगर आप हो इंस्टेंट रोकनी पड़ती तो आप आसानी से रोक सकते हो बिना किसी प्रॉब्लम के। इसके टायर बहुत अच्छे हैं जिसकी वजह से क्या है कि ग्रिप रोड के साथ बहुत अच्छी बन के चलती है, चाहे हाईवे हो चाहे सिटी के अंदर काफ़ी मज़ा आ रहा है। तो अभी हम लोग आ गए कंपनी बाग चौराहा और आप मेरे लेफ्ट हैंड पे देख रहे होंगे ये है HPTI UPTU जो कि अब AKTU अब्दुल कलाम टेक्निकल यूनिवर्सिटी बन चुका है, वहाँ का नंबर वन कॉलेज है ये HPTI। ये देखिए ठग्गू के लड्डू, बहुत ही फेमस शॉप है, आपने सुना होगा। ऐसा कोई सगा नहीं जिसे हमने ठगा नहीं, तो वो इन्हीं भाई साहब का है, टैग लाइन है इनकी शॉप की। और इनकी कुल्फ़ी भी है बदनाम कुल्फ़ी, भाई साहब नाम तो ऐसे ऐसे रख रखे हैं, बदनाम कुल्फ़ी, ठग्गू के लड्डू। अभी तक अगर देखा जाए तो मुझे काफ़ी सही लग रहा है, काफ़ी मज़ा आ रहा है यहाँ पे चलाने में। पहले मैंने आपको ट्रैफिक में चला के दिखाया, वहाँ पे परफॉर्मेंस बहुत अच्छी थी, बहुत स्मूथ ऑपरेशन लगा, क्लच का ब्रेकिंग सभी कुछ अच्छा था, हैंडलिंग बहुत अच्छी थी। और अब विदाउट ट्रैफिक चला रहा हूँ अच्छी रोड पर, यहाँ पर भी बहुत अच्छा लग रहा है, मतलब किसी तरह की कोई प्रॉब्लम मुझे इस बाइक में नहीं लगी। क्योंकि जब मैंने इसको ख़रीदा था तो काफ़ी चीज़ें देखी थी मैंने, हर चीज़ की एनालिसिस की थी, उसके बाद ही इस बाइक को डिसाइड किया था। अगर इसको ड्यूक के साथ कंपेयर करें तो उसका मुझे कुछ लुक भी नहीं अच्छा लगा था, उसका जो लुक है वो कुछ डिफरेंट है, मतलब वो मुझे अच्छा नहीं लगा था। ये एक डिसेंट बाइक है और काफ़ी सही लगती है, इसलिए भी मैंने इसको परचेज़ किया था। और परफॉर्मेंस के मामले में तो मैं इसे 10 out of 10 तो दूंगा ही दूंगा, क्योंकि सचपास वाले ब्लॉग आपने देखो कितनी एक्सट्रीम राइड थी, 3-4 घंटे एकदम फुल ऑफ रोडिंग ख़तरनाक वाली, वहाँ पर बहुत अच्छा लगा। मतलब इस बाइक को चलाने के बाद मुझे कभी भी ऐसा नहीं लग रहा है कि मैं किसी गलत प्रोडक्ट को यूज़ कर रहा हूँ, ओवरऑल मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। और ये डेकोरेशन देख लो, ये मतलब अभी कुछ 1-2 साल पहले ही धीरे धीरे इम्प्रूव होना शुरू हुआ है, वरना इससे पहले यहाँ की कंडीशन बहुत ख़राब हो रखी थी। ये देखो क्या सही है, मतलब पेंट वेंट करके खूबसूरत बनाने की कोशिश चल रही है गवर्नमेंट की, मतलब इस तरह का डेकोरेशन। ये देखो कानपुर की जो भी फेमस बिल्डिंग है, लाल इमली हो गई, कानपुर सेंट्रल हो गया, JK हो गया, JK टेंपल, राधा कृष्ण टेंपल, उन सबको यहाँ पे दिखाया गया है। तो ये है कानपुर का फेमस ग्रीन पार्क स्टेडियम, यहाँ पर बहुत सारे नेशनल और इंटरनेशनल मैच हो चुके हैं, रणजी तो रेगुलर होते रहते हैं। हमने ये रूट इसलिए लिया था कि यहाँ पर ट्रैफिक कम मिलेगा, बट नो डाउट हम आगे जहाँ जा रहे हैं वहाँ पर भयंकर वाला ट्रैफिक मिलेगा। और आपको एक बात और बता दूँ, जो नॉर्मल जो छोटी बाइक होती हैं जैसे 120-150 cc, उन बाइक को जिस तरह हम लोग लहरा सकते हैं या घुमा सकते हैं, इसको भी आप उसी तरह चला सकते हैं, बस थोड़ा सा वेट ज़्यादा है। ऐसा मुझे कभी फील नहीं होता कि मैं एक हैवी बाइक चला रहा हूँ, नॉर्मल बाइक ही मुझे लगती है। मतलब इसकी रोड पे हैंडलिंग और ग्रिप इतनी अच्छी है कि नॉर्मल ऑपरेशन लगता है, एक्चुअल में इसका वेट बहुत ज़्यादा है। अच्छा है, मतलब बहुत अच्छा प्रोडक्ट बजाज ने बनाया है। तो भाई हम लोग जो निकले थे सिटी राइड रिव्यू के लिए बाइक का, तो मैं आपको बता रहा हूँ मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, सिटी में किसी तरह की मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, ऐसा नहीं फील हो रहा है कि आप 250 cc की एक बाइक चला रहे हैं। भीड़ देख लो यार, ट्रैफिक देख लो। कानपुर में एक चीज़ लेकिन अच्छी हो गई है, यहाँ पर लोग अब हेलमेट बहुत ज़्यादा लगाने लगे, पुलिस का डर है, चालान होने का डर है, बट अब हेलमेट बहुत ज़्यादा लोग लगाने लगे, बहुत ही कम लोग मिलेंगे जो हेलमेट नहीं लगाए होंगे, नॉर्मली सब जगह लगाते, फिर पता है कहीं पे भी हरी पत्ती देनी पड़ जाएगी, नहीं तो नॉर्मल जो अदर बाइक्स किसी भी गैप से निकल जाते हैं वहाँ पर थोड़ा सा हमें सावधान रहना पड़ता है, क्योंकि इसकी विड्थ थोड़ी सी ज़्यादा है। सिटी राइड का एक्सपीरियंस इससे पहले मेरा भी नहीं रहा है, क्योंकि जब हमने नई ली थी तो नई लेने के बाद फिर मैं जहाँ मेरा वर्क प्लेस है वहाँ ले गया था इसको फर्स्ट सर्विस से पहले चलाने के लिए, और उसके बाद फिर मैं लेके आया तो सचपास निकल गया, मतलब सिटी में मैंने चलाया ही नहीं इसको। बाइक को चलाने की जो फील होती है वो इससे ले सकते हैं आप। अभी हम लोग वकर मंडी पहुँचने वाले हैं, पर फिलहाल आप देख रहे होंगे कि जो बाइक को इस तरह के मैं एरिया में इसीलिए लेके आया हूँ जिससे कि असली परफॉर्मेंस को जज कर सके, क्योंकि हाईवे में क्या होता है कि हम कितना भी भगा लेंगे वहाँ पर आप इस चीज़ को फील नहीं कर पाएंगे, जो यहाँ पर इसका रिव्यू जो चीज़ यहाँ पर इसने ट्रैफिक में आप फील कर सकते हैं इस बाइक के बारे में, वो चीज़ हम हाईवे पर रिव्यू दे के नहीं आपको बता सकते थे। काफ़ी लंबा रास्ता हम लोग ने कवर कर लिया है, पहले यहाँ पे कुछ काम है, पहले उस काम को निपटाते हैं फिर आपसे मिलता हूँ। इस तरह की गलियों में ला के मैं अगर आपको सिटी राइड रिव्यू दे रहा हूँ तो आप समझ जाओ
कि ये बाइक इस तरह के एरिया में चलने में कोई प्रॉब्लम नहीं दे रही है। इससे ले तो आए हैं हम, लेकिन खड़ी कहाँ करेंगे। और अगर मैं आपको इसका सिटी राइड रिव्यू दे रहा हूँ तो उसमें अगर इस तरह की गलियों में बाइक मुड़ा के ना दिखाऊँ तो मज़ा ही नहीं है। तो भाई अब यहाँ पर मुड़ाते हैं, बहुत कम जगह है, कोई दिक्कत नहीं। भाई आराम से मुड़ गई है, कोई दिक्कत नहीं हुई। यहाँ का काम हो गया है, कोई दिक्कत नहीं होती। कहीं पे भी आप सिटी में ले जा सकते, किसी तरह की आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। एक जगह गली में जहाँ पे बाइक मुड़ाई थी वहाँ भी कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। बस इतना है कि बाइक का थोड़ा सा वेट ज़्यादा है, जिसकी वजह से जब बाइक को आप अपने पैरों से पुश करके पीछे खींचते हैं तो थोड़ा सा टफ लगता है। बट अगर आप कुछ दिन इसको यूज़ कर लेंगे तो उसके बाद आपको किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और यहाँ पे हम लोग जाम में फंसे हुए हैं भयंकर वाला। और ये जो जाम होते हैं यही एक मेन प्लेस होते हैं जहाँ से आप किसी को रिव्यू कर सकते हैं सिटी के अंदर आपकी क्या परफॉर्मेंस रहेगी। और आप देख रहे होंगे कि बिल्कुल भी प्रॉपर स्पेस नहीं मिल पा रहा है, फुल कंजस्टेड एरिया है यहाँ पर। और इस जगह पे जो बाइकें चल गई तो किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस इसकी थोड़ी सी विड्थ ज़्यादा है, जिसकी वजह से क्या होता है कि जहाँ पे नॉर्मल बाइक निकल जाती है वहाँ पे अपनी बाइक जो है सोच के निकालनी पड़ती है, साइड देख के निकालनी पड़ती है। कानपुर में देखेंगे आधे लोग तो अपनी बाइक पर जो मिरर होता है वो नहीं लगाते हैं। उसका एक रीज़न ये भी कह सकते हैं कि कई यहाँ पर क्या बहुत सारी रेलवे क्रॉसिंग है, तो रेलवे क्रॉसिंग से क्या है कि लोग कई बार जब ट्रेन आने में टाइम लगता है तो अपनी बाइक को ऐसे ही निकाल लेते हैं, तो इसकी वजह से भी मिरर नहीं लगाते। बट अगर सेफ्टी के लिए देखा जाए साइड मिरर बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। यहाँ पे भी देखिए ये बाइकें जितनी खड़ी, स्कूटी खड़ी, यहाँ पर भी ये बाइक खड़ी हैं, किसी में भी आपको साइड मिरर नहीं मिलेगा। तो इसका मेन रीज़न तो ये भी है, दूसरा फिर फैशन भी है लोगों का, मिरर नहीं लगाते हैं। देखो देखो भाई भाई, जगह होते हुए भी आपको जगह नहीं देंगे। और यहाँ तो यहाँ प्रॉब्लम हो जाती है बाइक निकालने में। ऐसी जगह पे ज़्यादा चलाने से क्या होता है, क्लच प्लेट वगैरह के भी इशू आ जाते हैं, क्योंकि हर समय क्लच तो ओपन हो नहीं पाती है पूरी तरह से। थोड़ी क्लच ओपन की तब तक फिर एक गाड़ी आ गई। तो अभी लेनी थी एक बाइक पॉलिश, तो यहाँ से मैंने ली है ये वैक्सपॉल की, काफ़ी अच्छी कंपनी है और काफ़ी ओल्ड कंपनी भी है ये, तो इसलिए इसकी बाइक पॉलिश ले ली है। तो अभी हम लोग हैं हर्षनगर में, और ये जो पूरा मार्केट है, ये पूरा मार्केट है बाइक और कार एसेसरीज़ और उन सभी के लिए, डेकोरेशन के लिए, मतलब उसका इंटीरियर डिज़ाइन के लिए। आपको इस तरह का कोई भी सामान चाहिए तो हर्षनगर में मिल जाएगा अगर आप कानपुर से हैं तो। तो अब समराइज़ करते हैं अपनी आज की राइड को। आज की राइड में हमने सिटी रिव्यू किया था डोमिनार 250 का, और इसका परफॉर्मेंस बहुत ही अच्छा है, सिटी के हिसाब से कोई प्रॉब्लम नहीं होती अगर आप इस बाइक को ख़रीदते हैं अपने डेली ऑफिस पर्पज़ के लिए। क्योंकि ये एक ऐसी मशीन है जो आप कभी लॉन्ग टूर पे भी जाना चाहे तो कभी भी किसी तरह की आपको प्रॉब्लम नहीं होगी, आप आराम से इसको ले कर जा सकते हैं सिटी में कहीं पर भी राइड करने के लिए और लॉन्ग टूर पर भी। तो ओवरऑल मैंने आज आपको चला के दिखा दिया है कि सिटी में हम लोग बहुत ज़्यादा ट्रैफिक में गए, उसके बाद मैं आपको लेके गया था ओपन एरिया, मतलब जो ठीक ठाक अच्छी रोड थी जहाँ पे ट्रैफिक नहीं था वहाँ भी लेके गया। और हाईवे का परफॉर्मेंस तो आपने अगर नहीं देखे तो सचपास वाली वीडियो देख लीजिए, हाईवे परफॉर्मेंस मिल जाएगा। ऑफ रोडिंग के लिए तो आप सचपास वाला जो मेन वीडियो है वो देख सकते हैं, फुल ऑफ रोडिंग थी वहाँ पर बहुत अच्छी परफॉर्म की। और सिटी में भी मुझे कोई दिक्कत नहीं आती, अगर आप इस मशीन को अपने डेली पर्पज़ के लिए भी ख़रीदना चाहें तो आप आराम से ख़रीद सकते हैं, क्योंकि 400 सीसी वाली बाइक या उससे ऊपर की जो बाइक है उन्हें आप सिटी राइड में चलाएंगे तो उतना अच्छा परफॉर्म नहीं करेंगे, एवरेज नहीं देंगी, बहुत सारी चीज़ें रहेंगी। बट इसको आप आराम से कहीं पे भी चला सकते हैं, अपने डेली रूटीन में भी यूज़ कर सकते हैं, लॉन्ग राइड में भी यूज़ कर सकते हैं। तो ओवरऑल इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। अगर आप सिटी राइड के लिए इस बाइक को लेना चाहते हैं तो आप आराम से ले सकते हैं, किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, डेली रूटीन वर्क के लिए ये बाइक आपके लिए बेटर रहेगी, तो आप इसको आराम से बाइक कर सकते हैं। नेक्स्ट दो तीन वीडियो मैं डोमिनार पे ही बनाने वाला हूँ, डोमिनार 400 में
गियर इंडिकेटर है कि किस गियर पे आपकी बाइक चल रही है, तो आप स्पीड के हिसाब से इजीली देख सकते हैं कि आपकी बाइक सही गियर में है या नहीं है, बट इसमें ऐसा कुछ नहीं है। तो इसके लिए मैं एक गियर शिफ्ट वीडियो भी बनाऊंगा कि राइट स्पीड में राइट गियर क्या होने चाहिए डोमिनार 250 के लिए। तो जुड़े रहिए चैनल में, अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो एक बार सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, कीप स्माइलिंग।